हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं जो रिएक्ट करने वाला हूं उस वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा है, आमिर लियाकत का कातिल कौन। वकार जका की तरफ से ये वीडियो है, रिएक्शन ऑन आमिर लियाकत डेथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मौत तो सभी को आनी है और उसका एक वक्त मुकर्रर है। बिल्कुल, यानी किसी की जब भी मौत होती तो लोग कहते हैं मौत तो आनी थी। हाँ, मसला ये है कि उस मौत तक का सफ़र आसानी से तय किया गया या मुश्किल से तय किया। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस सोसाइटी का होता है, उस माशरे का होता है, लोगों का होता है जिसमें वो इंसान रहते हैं। हाँ, मैं आपको बहुत सारे मैसेजेस में से एक मैसेज दिखाना चाहूँगा जो मैंने सोचा जब 10 मई को मेरे पास आया कि दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, लेकिन मैंने कहा जिस चीज़ से आवाम को रोका जा रहा है ना उसी तरफ आवाम चली जाएगी। 10 मई मतलब पहले जब कहा जाता है यार ये नहीं करना, इस पर पर्दा डालने, कहते दिखाओ तो सही है क्या, लेकिन अब दिखाना बनता है क्योंकि मामला कुछ ऐसे। ये एक मैसेज है उनमें से और ऐसे हजारों हैं, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा। किसका ये? 10 मई को ये मैसेज मेरे पास आया, आमिर लियाकत साहब की ये वीडियो है और ये देखें। मैंने कहा क्यों दिखा रहे हो? कह रहा मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मैंने कहा मत करो इन्फॉर्म, जो बात मैंने इसे बोली अगर आप भी बोल देते तो मामला बहुत डिफरेंट होते। सुनिए, ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि कहीं पर किसी की कोई नंगी वीडियो मिले तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए भी आगे किसी को भेजें। क्यों भाई, मुझे क्यों भेज रहे हो? मतलब मैं क्या करूँ इसका? गलत बात है ना, किसी की इज्जत उछल रही है उसको और उछाल रहे हो। ये गुनाह अगर कहीं हो भी रहा है तो उसकी प्रमोशन थोड़ी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करो। अपने आवाज़ से डिलीट करो, दोस्तों को नहीं भेजो, इंतहाई घटिया हरकत। ये करने के बाद जी मैंने कोशिश की कि जितने भी मैसेज आ रहे थे सबको ये एक फॉरवर्ड बना के भेज रहा था, जो जो भेज रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? आमिर लियाकत साहब इंतहाई मजबूत इंसान है और ये बात याद रखें कि बहुत सारी मुश्किल, बहुत सारे मजाक मस्तियाँ थे। वो कभी कभी ऐसा नहीं होता था कि वो बोले नहीं यार, वो हर एक को प्ले अराउंड करते थे, हर चीज़ को वो यूज़ कर लेते थे कि नहीं यार चलो इसको खोलते हैं। लेकिन हाँ, ये वाक्य जो था ये इंतहाई, मैंने भी बोला था अपने, और मैं हमेशा ये वीडियो कहता में कि आमिर लियाकत साहब के साथ देखें, मैं आपको बताऊँ हर चीज़ करने को तैयार रहते थे। और लास्ट बार जो है मैं चाहता था कि जब ये मामला जहाँ से बिगड़ना शुरू हुए, जब पहली दफ़ा उन्होंने नीलम मुनीर के साथ जो है फ्लर्ट शुरू किया था, वो क्यों किया था? पहले तो कभी नहीं करते थे वो। आपको नज़र आता है आलिम ऑनलाइन से लेकर ARY पे जब तक वो शो कर रहे थे कभी उन्होंने ऐसी हरकत की, कभी उन्होंने कोई ऐसी बात की? हाँ, ये भी यार बहुत बदनामी कर कि एकदम उन्होंने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया खवातीन के साथ। उनसे बड़ी तफसीली बात हुई थी, आपको याद होगा बर्मा जाते हुए आमिर लियाकत और मैं साथ थे और काफ़ी टाइम हमने फिर साथ गुजारा, और यहाँ जाते हुए मैंने उनसे पूछा कि जब उन्होंने सारा कुछ बताया और कहा यार बस मेरी तुम्हारी बात है, मैंने कहा यार आप ये बता दें सबको वरना ये आपको पता नहीं माशरा क्या करेगा। हाँ, गलत समझता रहा बस उनकी मर्जी। और ये जब मामला हुए थे उसके बाद, हालांकि मेरे उनसे इख्तलाफात कहाँ से हुए थे, जब इमरान खान के बारे में उन्होंने बात की, मैंने कहा आमिर भाई क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर सकते हैं आप ऐसी बात? मेरे भी इमरान खान से इख्तलाफात है, लेकिन ये आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप तो उनकी टीम में थे, उन्होंने आपको इतना सहारा दिया, वो अपनी जगह बात है और मैं आज भी उस पर कायम हूँ, वो आप गलत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे मैसेज किया जब ये वीडियो का मसला हुआ ना, जो बात हुई मैं उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, जरा बात सुन। मुझे नहीं पता आमिर लियाकत साहब ने FIA साइबर क्राइम में कंप्लेंट कराई या नहीं कराई, लेकिन उनका कहना ये था कि कार्रवाई की। देखिए मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा दानिया से, आप खुद अपनी गिरफ्तारी पड़ गए। क्या मतलब दानिया के पीछे पड़ गए? पढ़ना चाहिए भाई, गलत है तो गलत है मेरे भाई। बात सुन, अभी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है हुकूमत से इसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, साइबर क्राइम को ज़्यादा फंड्स दिए जाएँ, इनका बजट बढ़ाया जाए, इनके लोग बढ़ाए जाएँ। हमारे माशरे में ये जो जो लीक पिक्चर्स का चक्कर है, लीक वीडियोस का चक्कर है, कितने घर बर्बाद हो गए इस वजह से, कितने लोग बर्बाद हो गए, ये भी सच है। सबसे पहले FIA को स्पेशल कोई डिपार्टमेंट देना चाहिए जहाँ फौरन एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर हो कि जैसे ही किसी की पिक्चर्स लीक हो, जैसे ही कोई चीज़ हो, फौरन जो है उस पर एक्शन लिया जाए, फौरन उस बंदे को अरेस्ट किया जाए, फौरन तस्वीरें हटाने के लिए काम किया जाए। मेरी दरख्वास्त है आमिर लियाकत साहब की फैमिली से, उनके चाहने वालों से, उनके फैन से, जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, प्लीज़ FIA साइबर क्राइम के थ्रू, वकला के थ्रू इसको परसू करें कि किसने इनकी वीडियो लीक की, उसको प्रॉपर आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दिलवानी चाहिए। यकीन मानिए खुदा की इंसान है शायद, अगर मैं अपने ज़रूरी काम सबको पता सैन फ्रांसिस्को में अभी मसरूफ नहीं होता, मैं खुद फाइल करता हूँ। और देखिए फिर वो भी बात है, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो मतलब सैन फ्रांसिस्को में ऐसे लोग मिलते हैं पाकिस्तानी जो कहते हैं यार ये आमिर लियाकत क्या चीज़ है। मैंने कहा क्या मतलब क्या चीज़ है? उनको पता ही नहीं। आपका अच्छा टाइम गुजरा ना, आपका अच्छा टाइम पास हो रहा था ना। हाँ, आपको ऐसा कंटेंट पसंद होगा ना? नहीं, हम तो ऐसे ही देख रहे थे। ऐसे ही देख रहे थे क्या मतलब? ये दुनिया में कौन सी कौम है
जो कहती है कि जो चीज़ हमें बुरी लगती है, जो चीज़ हमें घटिया लग रही है, हम उसे फॉलो भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, देखते भी हैं, ट्रेंड में भी लेकर आते हैं। भाई आप इसलिए देख रहे हैं कि आप उसके फैन बन चुके होते हैं, आप इसलिए देख रहे हैं कि आप अगर डिप्रेशन में हैं और दुनिया में जो सख्तियाँ चल रही हैं उसमें आपको वहाँ से कुछ हंसी मिल रही होती है, तो जहाँ से अगर आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है इसका मतलब ये है कि आप उसे पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये नहीं पता होता कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं अब ये आपको पसंद है या नहीं पसंद है। जो नहीं पसंद होता उसको फॉलो कब करते हो भाई, उसको कौन शेयर करता है? दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि जो कंटेंट घटिया लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप उसे फॉलो करते हैं, आप उसे इग्नोर करते हैं। आलिम ऑनलाइन की कभी इतनी रेटिंग नहीं थी, गेम शो की क्यों रेटिंग थी? रमज़ान में भी अवाम मुसलमान है ना भाई, रमज़ान चल रहा है, उसमें हर फिक्के का चैनल मौजूद है, आपके फेवरेट मौलाना साहब आ रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पे, उनको छोड़ के हाईएस्ट रेटिंग है जी आमिर लियाकत साहब के गेम शो की, बताइए। तो इसका मतलब भाई आप लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और जब तक आप डिमांड क्रिएट करते रहेंगे इसी तरह लोग कंटेंट बनाते रहेंगे। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, हम पाकिस्तानी कौम इतनी बुरी नहीं है, हम पाकिस्तानी ऐसे हैं नहीं, बस थोड़े से भटके हुए हैं, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, हम तो इतनी अजीम कौम है कि बाहर से कोई आता है हम उसकी इतनी खातिर मदारत करते हैं। कभी आपने सुना कोई ब्लॉगर अमेरिका में आया हो, यूरोप में आया हो, उसे बोला जी फ्री में आपको खाना मिलेगा, फ्री में जगह मिलना शुरू हो जाएगी? हाँ ये तो देखा है व्लॉग्स में मैंने। बस हमें अपने आप से वादा करना है आज से, ये जो भी वाकया हो गया अब हमें एक दूसरे के ऐबों को छुपाना है। किसी की कोई लीक पिक्चर आए, किसी की कोई भी चीज़ आए, हम ये नहीं पूछेंगे कि उसने वीडियो क्यों बनाई, उसने वीडियो क्यों भेजी, हम उस पर पर्दा डालेंगे, हम इग्नोर करेंगे, हम नहीं फॉरवर्ड करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम आज से पॉजिटिविटी फैलाएंगे, हम नहीं करेंगे बुराई। मैं जानता हूँ अभी कमेंट सेक्शन में आधे लोग आ जाएंगे, अरे तुम भी तो अमित लियाकत के बारे में बोल रहे थे, अबे तू भी तो ये कर रहा था, अरे छोड़ दो ना, हो गई बहुत नेगेटिविटी हो गई। आज से पाकिस्तानी कौम एक दूसरे से वादा कर लो, या तो पॉजिटिविटी लिखेंगे, अग्री करते हो बताओ, कुछ नहीं लिखेंगे, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, मेरी थ्योरी है। अगर आप बुरा नसीब लेके भी पैदा हुए, अगर आप पॉजिटिविटी सोशल मीडिया पर फैलाते हो, हर चीज़ पॉजिटिव हर जगह पे बोलते हो, यकीन माने आपका बुरा नसीब भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छा नसीब लेके पैदा हुए हो और आप नेगेटिविटी फैलाओगे, गालियाँ दोगे, उल्टे फुलटे कमेंट्स पोस्ट करोगे सिर्फ इसलिए कि बस ऐसे ही, अच्छा नसीब भी बुरा हो सकता है। और मैं जानता हूँ हमारी कौम हमेशा कम बैक कर सकती है। आज से हम वादा करेंगे कि हम सोशल मीडिया पर बुराई नहीं फैलाएंगे, किसी के बारे में घटिया बात नहीं करेंगे, जो नहीं पसंद उसे फॉलो नहीं करेंगे, जिसको देखने में मज़ा आ रहा है इसका मतलब हमारा टेस्ट ये है, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। सही सही पॉइंट मुझे लगे कुछ चीज़ें कि यार नेगेटिविटी ना फैलाओ। देखो कुछ चीज़ें बदनाम होती हैं तभी लोगों को अक्ल आती है, ऐसा भी सच है। दो तीन तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक ढीठ होते हैं, जब तक उनका कुछ बुरा दुनिया में ना फैले तब तक उनको अक़ल नहीं आती, या फिर उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए तब तक उनको अक़ल नहीं आती। एक दूसरे ये लोग होते हैं कि डरते हैं कि यार ये चीज़ फैल ना जाए, लोगों तक पहुंच ना जाए, उससे पहले मैं सुधर जाऊं, अच्छे काम करने लगूं, सही हो जाऊं। सो ये दो कैटेगरीज़ हैं, इनका अपना ही अपनी ज़िंदगी में अलग ही रोल होता है। और वक़ार ज़का ने कहा कि हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। वक़ार ज़का ने भी बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस बनाई हैं मैंने देखा है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को उंगली उठाना, लेकिन वो एक सही तरीका भी होता है क्रिटिसाइज़ करने का किसी को। अगर आप किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नीचे गिरा रहे हैं, बल्कि उसको सुधारने के लिए भी उंगली उठाई जाती है। तो ये चीज़ें बहुत बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो हमें समझना चाहिए कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी का मजाक बना रहे हैं तो उसको उस हद तक ना ले जाएं कि उसको इतनी ठेस पहुंच जाए कि वो इस दुनिया से ही चला जाए, या फिर वो उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी भर जाए कि मेरी इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, डिप्रेस हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा इस इंसिडेंट के बाद आमिर लियाकत के साथ। लेकिन जो इन्होंने बताई, एक कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई इन्होंने, कुछ मैसेज दिखाए, लोगों के फॉरवर्ड करते हुए मैसेज दिखाए, तो इन्होंने सही किया कि उसको फॉरवर्ड करने से रोक रहे थे कि मुझे भी मत भेजो, दूसरों को भी मत भेजो ये जो फॉरवर्ड की है चीज़ें। उन्होंने लड़कियों पर कमेंट करना, या फिर इन्होंने एक एक्ट्रेस का नाम लिया था, वहाँ से शुरुआत की थी इन्होंने कि आमिर लियाकत भाई क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। सो वो चीज़ क्यों स्टार्ट की उन्होंने, किस लिए की, ये अभी भी इसमें वीडियो में मेरे लिए क्लियर नहीं हुआ। एक शख्स ऐसा है जिसने वो वीडियो वायरल की थी या दिखाई थी, वो आप अच्छा यूज़ अगर करना थी उस वीडियो को तो आप उनके खिलाफ ही यूज़ करना चाहती थी, मैं तो साफ बोल रहा हूँ भाई, चाहती थी अगर उनके खिलाफ़ यूज़ करना उस वीडियो को,
तो आप पुलिस में जा सकती थी, पर्सनली एक इंसान को दिखा सकती थी जो उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता था कि हाँ दानिया तुम सही हो और वो बंदा गलत है। अगर ऐसे इस्तेमाल करना था तो सोशल मीडिया के अलावा, दुनिया भर के अलावा, वो उस जगह पर दिखाया जाता जहाँ उसकी सख्त ज़रूरत थी दिखाने की, जहाँ से उस चीज़ को दिखाने से फ़र्क पड़ता किसी बात पर। गलत तो गलत है, इस चीज़ की सज़ा तो मिलनी चाहिए उस लड़की को भी, अगर उसने ये सब किया है और इसी चीज़ का अगर आमिल्यागत पर ज़्यादा असर हुआ है, जो हाल उनका आज ये हुआ है, ये वजह है अगर, तो सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कहते हो इस बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।